हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर ऑल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ट्रिपल सी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम, बेजी, मार्ग, सी एंड सी प्लस प्लस आज सभी के वीडियो वन बाई वन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप vkcigrnoda20@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में सिक्योरिटी बिल हम किस तरीके से बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एक्सेल में सिक्योरिटी बिल क्रिएट किया जाता है। तो चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। ये देखिए एक्सेल ओपन आपके सामने है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये तो क्लियर है कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं, मतलब जो भी सर्विस देती हैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी सेक्टर में, जिस जगह भी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो जो भी वो बिल बना के मतलब जरूर देते हैं। तो वो बिल हम किस तरीके से बनाते हैं, तो आज इस वीडियो में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम सिक्योरिटी बिल एक सिंपल फॉर्मेट में किस तरीके से एक्सेल में हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले राइट हैंड साइड में यहां पर देखिएगा लोगो लगा देते हैं। लोगो कैसे लगाएंगे मैं आपको अभी समझाएंगे, तो चलिए अभी समझा देते हैं लोगो हम किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पर जाकर के पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे ये लोगो ये देखिएगा, यहाँ से लोगो हम ले लेते हैं। लोगो कहाँ पर, ये देखिए लोगो है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ये देखिए अब आपके सामने आ गया। अब देखिए ये सर्किल लगाया है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये सर्किल में भी जैसा है अभी उठा के कहीं भी लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लोगों को हम जो भी लोगो है वो यहाँ लगा सकते हैं। ये एज ए एग्जाम्पल है, किसी का लोगो नहीं है, इंटरनेट से डाउनलोड कर यहाँ पर लगाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल या ऑब्लैक में कैश में वो यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ जो कंपनी, यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सवाइजर लिया गया है, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वहां पर, यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, पूरा हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, मेल, वेबसाइट, और ये बिल इनवॉइस क्या है वो इनवॉइस नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ये डेट आ जाएगा, इसका मतलब है कि बिल, जैसे मान लीजिए ये आपका देखिए फॉर्म लिखा हुआ है 1 जून 2021 से 30, मतलब ये जून का बिल है, तो यहाँ पर 30/6/2021 ये तो लास्ट डे है मंथ का, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लास्ट डेट आ जाएगी, कब से कब तक का ये बिल है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये बिल आप किसको दे रहे हैं, अगर किसी स्कूल का दे रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल का नाम और एड्रेस, किसी कंपनी में दे रहे हैं कंपनी का नाम एड्रेस, तो जिसे आप ये बिल दे रहे हैं जहाँ जहाँ पर जो आपकी साइट है, जहाँ पर आप जिससे आपको जो भी, जैसे कि यहाँ पर सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, एक सुपरवाइजर है, 5 सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने 30 दिन जो कि मंथ में होता है ड्यूटी 30 दिन किया है, सैलरी 15,000, सिक्योरिटी 11,000, तो यहाँ पर देखिएगा क्लियर है, एक है तो 15,000 होगा और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर देखिएगा 11, ये रेट है। अब यहाँ पर एक है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 कर दिया, जैसे 2 किया इंटर दबाएंगे 30,000, क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है। अब वो कैसे देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, करना क्या है, इसे मान लीजिए हटा दिया, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर कितने हैं सुपरवाइजर, 1 है, क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितनी सैलरी है 15,000, क्लिक करेंगे, इंटर दबा देंगे। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर कैसे आपका, अब लगा दिया, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर ड्रैग कर दीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ 5 सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पर रेट आपका 11,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ड्रैग कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से मतलब जहां पर आपकी साइट है वहां पर एक सुपरवाइजर, 5 सिक्योरिटी गार्ड है, तो बिल कितना हुआ, तो आप वहां पर जाकर के या मेल कर देंगे या फिजिकली जाकर के वहां पर दे देंगे। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट देखिएगा यहाँ पर 70,000 है, तो देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर ऊपर कोई चेयरमैन, जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए
दो कर दिया, इंटर प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिक नीचे देखिएगा यहाँ पर 85,000 हो गया, राइट, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज है। तो इस तरीके से जैसा था वैसा कर देंगे, बंद कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका सेम आपका वही आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये 70,000 है, यहाँ पर 4XY सब यहाँ पर साइन हो जाएंगे, जो ऑथराइज सिग्नेचर होंगे यहाँ पर इन वर्ड में हो जाएगा 70,000 ओनली। तो देखिए एक सिंपल तरीके से इस तरीके से हम सिक्योरिटी बिल बना करके तैयार करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी मेथड से बना के तैयार कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा बिल क्लियर बन चुका है, अब हम इसे प्रिंट आउट निकालने से पहले इसे हम कंट्रोल प्लस F2 यानी प्रीव्यू देखते हैं। तो चलिए देखिए प्रीव्यू एकदम क्लियर दिख रहा है, जूम करेंगे यहां से जूम करके भी देख सकते हैं, और ऐसे नीचे स्क्रॉल मत करेंगे तो देखिए जूम करके भी दिख रहा है। अब ये देखिए आपका क्लियर यहाँ पर बिल आपका ये आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से एक आसान स्टेप के साथ हम सिक्योरिटी बिल बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।